But before we move on, a small request. Don't forget to subscribe to our channel if you haven't. Or apne friends and families ko bhi request kijiye to subscribe so that they can see all of our future DIY innovative videos that we'll be doing. Going to today's video. लास्ट टाइम आपने देखा कि मैंने खुद के लिए एक श्रग बनाया था बिकॉज शॉपिंग इज आउट ऑफ द क्वेश्चन राइट नाउ. शॉप सब बंद है, लॉकडाउन चालू है और मेरे नीस का कल बर्थडे है एंड आई हैव नथिंग टू गिव हर. तो मैंने सोचा कि क्या करूं, गिफ्ट कहाँ से लाऊं. देन आई थॉट कि कुछ तो घर पे ही जुगाड़ करते हैं. सो आई वेंट थ्रू माई कबर्ड, आई वेंट थ्रू माई ब्रदर्स कबर्ड और मेरे भाई के कबर्ड में मुझे एक शर्ट मिला जो कम्प्लीटली नया था, उसने कभी पहना नहीं था, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा उसे कभी पहनते हुए. तो मैंने सोचा कि इसका ही कुछ तो एक्सपेरिमेंट क्यों ना करूं. So what I'm going to do is I'm going to make a small cute dungaree type of a frock for her from my brother's shirt. So let's get DIYing. So to start, मैंने मेरे भाई का एक पुराना शर्ट लिया है. Well, पुराना तो नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ कबर्ड में पड़ा था, उसने कभी पहना ही नहीं. And I'm going to cut it halfway through. Length आप अपने हिसाब से रख सकते हैं if you want a short skirt or a long skirt. मैं थोड़ा short skirt बनाने वाली हूँ तो I'm going to cut it halfway through. So the lower part of the shirt हम लोग उसका skirt करेंगे. So let's keep this aside and move on. Next हम लोग sleeves cut के लेंगे, both of them. तो हमारे सब कट पीसेस रेडी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन ऑफ द स्लीव्स. तो ये जो कफ है वो कफ हम लोग पहले काट के साइड में रख देंगे और हमारी जो स्लीव है उसको हम लोग कट करेंगे अलोंग द एज वेयर द स्टिचिंग इज एंड ओपन इट अप. सो दैट्स डन. अभी स्लीव का ये जो बटन्स पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए. सो वी आर गोना फोल्ड इट एंड कट इट आउट. So this is going to be the front part of our dungaree. Since मेरी नीस यहाँ पे नहीं है तो उसके कमर का मेजरमेंट लेने के लिए मैंने एक पुराना पजामा लिया है उसका. And I'm going to take a measuring tape and measure it out. So it's coming to about 8 to 9 inches. So उसका डबल करके मैं 18 inches लेने वाली हूँ. So skirt में हम लोग इलास्टिक डालने वाले हैं. So I'm going to measure out the 18 inches on the elastic and cut it out. अभी हमने जो शर्ट का लोअर पोर्शन काट के रखा था उसे हम लोग लेके आएंगे एंड वी गोना टेक द इलास्टिक दैट वी कट एंड विल बी मेजरिंग इट एंड फोल्ड इट अप लाइक दिस सो दैट वी नो हाउ मच स्पेस द इलास्टिक विल नीड. नाउ ब्रिंग इन योर नीडल एंड थ्रेड और एक कच्ची सिलाई कर दीजिए सो दैट यू हैव अ ओपनिंग फॉर द इलास्टिक. ऑफकोर्स आपके पास अगर मशीन है ऑलरेडी तो यू कैन डायरेक्टली डू इट ऑन द मशीन. But since I don't have that, I'm going to hand stitch it right now and leave a small portion so I can thread the elastic through. तो मैं इस सेफ्टी पिन के हेल्प से इलास्टिक को इस गैप में से थ्रेड करने वाली हूँ. Once that is done, इलास्टिक के दोनों एंड्स को साथ में लेके उसे हम लोग सिला देंगे. सो अ स्कर्ट इज ऑलमोस्ट रेडी. नाउ लेट्स ब्रिंग इन द शर्ट स्लीव जो हमारा फ्रंट पोर्शन या फिर बॉडिस ऑफ द डंगरी होने वाला है एंड हम लोग इसे डायरेक्टली स्कर्ट को अटैच कर देंगे. सो इसे इन्वर्ट करके विल ऐड आर पिंस टू इट सो दैट हमें पता चलेगा कि कहाँ पे सिलाई मारनी है. सो दैट्स डन. सो ये जो टॉप पोर्शन है ये हम लोग ऐसे फोल्ड कर देंगे और जो हमारा कफ हमने काट के रखा था विल अटैच दैट ओवर हियर डायरेक्टली. अभी हमारी जो दूसरी शर्ट स्लीव थी काटी हुई उसे लेके आएंगे और इसे हम लोग स्ट्रिप्स में काटेंगे. सो लेट्स फोल्ड इट इन हाफ एंड स्टार्ट कटिंग आर स्ट्रिप्स. तो टोटल हमें 4 स्ट्रिप्स मिलते हैं. सो दीज आर गोना बी द स्ट्रैप्स फॉर आर डंगरी.
इन सबको काट के इवन कर दे पहले, बिकॉज सिंस इट्स अ शर्ट स्लीव वो थोड़ा अनइवन है। सो इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस, और इसे हम लोग सिला देंगे अलॉन्ग द एज। सो ये स्ट्रैप्स हम हमारे डंगरी के बॉडीज को विद द हेल्प ऑफ पिन्स पहले अटैच कर लेंगे। अब ये स्ट्रैप्स आपको कैसे लगाने हैं दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आप इसे स्ट्रेट भी लगा सकते हैं या फिर क्रिस क्रॉस करके लगा सकते हैं। अभी ये जो कफ है आप देख सकते हैं, एक साइड पे बटन है और दूसरे साइड पे बटन होल है, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मैंने जो दूसरा कफ था उसे काट दिया है एंड आई एम गोना स्टिच दिस ओवर हियर। सो इसे भी हम लोग आधा काट देंगे। और इसे बटन वाले कफ से रिप्लेस कर देंगे। और ये जो सेंटर का पार्ट है, ताकि ये मैसी ना लगे, हम लोग यहाँ पे एक सिलाई मार देंगे, सो इट लुक्स नाइस एंड यूनिफॉर्म। नाउ लेट्स विजिट मिस सोनल पाटिल टू डू द स्टिचिंग। तो दैट्स आर स्कर्ट, द फ्रंट पार्ट ऑफ आर डंगरीज बॉडीज, स्टिचिंग द एजेस अलोंग द बैक ऑफ इट, मेकिंग आर स्ट्रिप्स स्टर्डी। अभी हमारे बॉडीज को हमारे स्कर्ट से अटैच कर देते हैं। अटैचिंग द स्ट्रिप्स, नाउ इफ यू रिमेंबर वी हैड कट 4 स्ट्रिप्स, सो जो थर्ड स्ट्रिप है उससे हम लोग और एक ऐसा थोड़ा थिक स्ट्रैप बनाएंगे। द रीज़न वी आर डूइंग दिस इज़ बिकॉज जो हमने शोल्डर स्ट्रैप्स बनाए हैं वो हाइट में थोड़े शायद कम पड़ेंगे, तो इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा बनाया है। सो व्हाट विल बी डूइंग इज़ जो शोल्डर स्ट्रैप्स है वो हम लोग ऐसे क्रॉस करेंगे, एक साथ जॉइन करेंगे और उसके सेंटर में ये स्ट्रिप अटैच कर देंगे। नाउ व्हाइल अटैचिंग दिस सेंटर स्ट्रैप, ध्यान में रखिए कि ये प्रॉपरली स्कर्ट के सेंटर में आना चाहिए। सो द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू डू इज़ ये जो शर्ट के पीसेस लेफ्ट ओवर है उसके जो बटन्स है वो मैं पहले काटने वाली हूँ। सो ये जो बटन्स है एक्स्ट्रा वाले वो मैं डंगरी को डायरेक्टली अटैच करने वाली हूँ जस्ट फॉर डेकोरेटिव पर्पस। सो 2 विल गो ऑन द फ्रंट बॉडीज, 2 बटन्स वो ऑलरेडी देयर, सो टोटल ये 4 हो जाएंगे। टू विल गो ऑन द टॉप फ्लैप जो हमारे कफ्स थे, सिक्योर देम ऑल प्रॉपरली विद द नॉट एट द बैक। और एक और बटन मैंने बैक स्ट्रैप को स्टिच कर दिया है। सो दैट्स 1 ऑन द बैक स्ट्रैप, 2 ऑन द फ्रंट फ्लैप and 2 that we have added on to the bodice. So I proudly present my recycled handmade dungaree made from an unused shirt. Mujhe to ye super 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 cute lag raha hai. So my super cute dungaree is ready. To abhi sirf jaake dekhna hai ki Pari ko ye pasand aata hai ki nahi. Let's see how it looks on her. एक्शन। सो वी आर डन विद टुडेज वीडियो, और आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा जो मैंने ये क्यूट सी डंगरी बनाई है मेरे नीस के लिए मेरे भाई के शर्ट से। आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड इट बिकॉज इट शी इज लुकिंग वेरी क्यूट इजंट इट एंड आई थिंक शी लव्स इट। आवडलं तुला? पक्का? सी शी इज लव्ड इट। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी युनिक एंड बजट फ्रेंडली एंड पर्सनलाइज गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर लव्ड वंस। आपके घर में बच्चे ऑफकोर्स होंगे, सबके होते हैं, तो आपके नीस आपके किड्स आप किसी को भी ये दे सकते हैं, दे विल एब्सोल्युटली लव इट बिकॉज यू हैव मेड इट स्पेशली फॉर देम। सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो डू गिव अस अ बिग फैट थम्स अप। थम्स अप कर।
big fat thumbs up. To share this video with your friends and family. Oh, even the Ambawalas are agreeing with me. So, buy mangoes. So we should go do that, right? So I think I'll sign off and go buy some mangoes. So, until next time, this is Dafty Dames signing off.